आपका ऐसे में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए सबसे बड़ी बात जो माननीय कांशीराम साहब के साथ जुड़ी है वो ये कि लगभग 7,000 जातियाँ जो बिखरी हुई थी आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रही थी या किसी प्रकार का कोई उनका सामाजिक संबंध नहीं था, उन 7,000 जातियों को इकट्ठा करके ना सिर्फ उनके अंदर ऊर्जा पैदा की, ना सिर्फ उनके अंदर ताकत पैदा की, बल्कि उनको इस देश का हुक्मरान बनाने की उनके अंदर भूख भी पैदा की। ये माननीय साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ भूख ही पैदा नहीं की, उन्होंने ये करके दिखा दिया। जो व्यक्ति इस देश में लगभग 1,000 साल तक रोटी और कपड़े के लिए मोहताज था, वो देश की सत्ता तक पहुंचा, ये मानवर कांशीराम का ही संदेश है। सर, मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे मंचों से कि भाई आपको लंगड़ी सरकार बनाना नहीं है, एब्सोल्यूट सरकार नहीं बनानी है, अगर आपको अपना विकास उद्धार करना है जब तक लंगड़ी सरकार रहेगी। ये सर ये कथन कहाँ तक सत्य है? मानवर साहब कहा करते थे कि जब तक बहुजन समाज अपनी ताकत के आधार पर सत्ता में नहीं आता है, जब तक अपनी पूर्ण सरकारें नहीं बनाता है, पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनाता है, तब तक मनुवादियों की लंगड़ी सरकारें बननी चाहिए, मतलब उनकी मजबूर सरकारें बननी चाहिए। अगर उनकी तानाशाही बन जाती है, उनके पास पूर्ण बहुमत आ जाता है, जैसा कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस प्रकार से ना सिर्फ तानाशाही हो रही है बल्कि इस देश के आम व्यक्ति के अधिकारों को, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी है, चाहे विद्यार्थी है, या पूर्ण सरकारी कर्मचारी हैं, या आम व्यक्ति है, या मजलूम लोग हैं, उन सब के हकों पे एक तरीके से डांका मार रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। अगर उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता और वो कुछ दूसरी पार्टियों पे निर्भर रहते तो फिर शायद इतना कुंकार्य नहीं हो पाते, जैसा कि 2004 से 2009 तक का जो समय था तब भी इनकी सरकार थी, लेकिन तब इतना कुंकार नहीं थे। माननीय साहब कहा करते थे कि हमें या तो बहुजन समाज की सरकार चाहिए, या अगर बहुजन समाज की सरकार नहीं बनती है तो हमें मनुवादियों की मजबूर सरकार चाहिए। सर, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे अभी रिजल्ट आए तो 2-3 सीटों के जो आए हैं वहाँ पर बीजेपी ने तो मुंगी खानी पड़ी है। क्या एक ही षड्यंत्र नहीं है कि जो ईवीएम पे सारे लोग क्वेश्चन उठाते थे भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, अब ये कहेंगे भाई अब ईवीएम में गड़बड़ होती है, अगर ईवीएम में गड़बड़ करते हम दोनों सीटें जीतते? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईवीएम में गड़बड़ के बहुत सारे केंद्र हो सकते हैं, बहुत सारे केंद्रों में आप कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आपकी पसंद के अधिकारी वहाँ पे रहेंगे। कभी ये भी हो सकता है कि बहुजन समाज के अधिकारी भी हो सकते हैं, वो गड़बड़ी ना करने दें, वो आपको जो है अपनी मनमानी ना करने दें। और दूसरे, जब जनता का जलजला उठता है तो कोई गड़बड़ी, कोई तकनीकी गड़बड़ी काम नहीं होती है। इस बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले इस चुनाव में, उपचुनाव में हमें देखने को मिला, बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर, खासतौर पर सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके बीजेपी को हराने का प्रयास किया, क्योंकि जिस प्रकार का आतंक इन्होंने उठाया, मचाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे योगी की सरकार के आने के बाद से आम व्यक्ति त्रस्त है, उसमें लगता था कि जब तक इनका रथ रोका नहीं जाएगा, इनके आतंक को रोका नहीं जाएगा, तब तक आम व्यक्ति सम्मान के साथ नहीं जी सकता। इसलिए बहुजन समाज के अंदर एकता बढ़ी है, बहुजन समाज के अंदर यूनिटी बढ़ी है, और माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिवस बहुजन दिवस के अवसर पर इससे बढ़िया श्रद्धांजलि उनके लिए। धन्यवाद सर। सर, अभी कल ही रिजल्ट आए हैं और सारा बहुजन के जो लोग हैं हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये जो अभी जो मशीनों का सिलसिला था, जो मशीनों में गड़बड़ बता रहे थे आप लोग, तो ये क्या एक मैटर रहेगा? आपका नाम? डी डी वर्मा जी। हाँ जी वर्मा जी, आप बताएं, आज माननीय कांशीराम साहब के एक जन्मदिन से एक दिन पहले एक थोड़ा बहुजन समाज को खुशी मिली? आज बहुत ही अच्छा दिन है कि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव जो रिजल्ट आए हुए हैं, ये माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन का एक मतलब जीता जाता उदाहरण है कि जो उन्होंने नींव डाली थी वो आज उसका परिणाम देखने को मिला है। सर, माननीय कांशीराम साहब ने ऐसा क्या कार्य किया था जो आज माननीय कांशीराम साहब को बाबा साहब की तरह पूज रहे हैं? माननीय कांशीराम साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था, सारे बहुजन जो हैं उनको इकट्ठा किया था, उन्होंने गांव-गांव जाकर के सभी लोगों को जोड़ा था, जो कि आज एक उसका ही रिजल्ट है कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गढ़ माने जाने वाली दोनों सीटों पे उनको हार खानी पड़ी। वर्मा जी, अगर आप चुनाव होता है तो चुनाव को आप ईवीएम से कराना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से? सर, ये तो इसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। शेर सिंह जी, आप पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, एक मतलब एक बूथ लेवल से लेकर और विधानसभा तक और जिले में भी आप रहे हैं, तो आपने जो अब चुनाव होंगे 2019 के अंदर, आप चुनावों को आप बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे या मशीन से? भाई, मैं तो बैलेट पेपर से ही चाहूँगा, क्योंकि निष्पक्ष नहीं हो रहा है जो चुनाव हो रहा है, वो मशीन के द्वारा ही जो रिजल्ट दिखा रहे हैं ये लोग,
जैसे मान लो इनकी जो राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो लोग ये जीत लेते हैं, और जैसे उपचुनाव होते हैं उसमें रिजल्ट ये उल्टा दिखा देते हैं। तो भाई मैं तो यही चाहूँ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हारे या जीते, सिर्फ इन्होंने एक मैसेज पहुँचाना होता है कि भी देख लो ईवीएम में खराबी नहीं है। तो मैं चाहूँगा ब्लैट पेपर से ही हो चुनाव, जो स्पष्टीकरण होगा तो ब्लैट पेपर से ही होना चाहिए चुनाव।